रोजा किस उम्र में फ़र्ज़ है मेरी बेटी की उम्र तेरह साल है मगर वो वह तौर पर बालिग नहीं हुई क्या इस पर रोजा फ़र्ज है लेकिन लड़के पर किस उम्र में रोजा फ़र्ज होगा उम अहमद देखें बेटी की उम्र तेरह साल है अभी रोजा फ़र्ज़ नहीं है लेकिन चूंकि करीबुलबलू हो चुकी है तो आप पर लाजिम है कि बेटी को रोज़े रखवाएं ये भी मुमकिन है कि रमजान में ही उसको मैन आना शुरू हो जाए तो जैसे ही मैन आना शुरू होंगे अगले दिन से वो बालि समझ उसी दिन से बालि समझी जाएगी लिहाजा मैं बंद होते ही उस पर लाजिम होगा गया रोजे शुरू कर दे तो वरना अगले साल तो रोजे रखने ही पड़ेंगे उसको क्योंकि उमूमन ख़ातिन को बच्चियों को चौदह साल से पहले मेंसेस आ जाते हैं तो इसलिए आप पर यह लाज़िम है कि उसको अभी रोजों की आदत डालने के लिए आप उसको सारे रोजे रखवाएं वरना एकदम से रोजे फर्ज होते हैं तो पूरे रखे नहीं जाते फिर और लड़के की लड़के पर भी जब पहली दफ़ा उसको नाइट फॉल होम होता है तो उस पर रोजे फ़र्ज हो जाते हैं क्योंकि बालग शुमार होता है तो लिहाजा तेरह चौदा साल का अगर लड़का है तो उसको भी पूरे रोजे रखवाने चाहिए हाँ इससे कम उम्र है जैसे दस साल या उससे कम उम्र के लड़के हैं तो फिर उनको अगर गर्मियों के लंबे लंबे रोजे हैं तो फिर पूरे रोज़े ना रखवाएं थोड़े थोड़े करके रखवाएं उनको आदत डालें क्योंकि फिर उनकी बॉडी को नुकसान का खतरा होता है रोजे का मकसद हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि एक रूहानी क़ुत पैदा करना है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा रोजे रखवाने से भहर नुकसान होता है लेकिन 10 साल या उससे बड़े हो जाए ना तो फिर थोड़े थोड़े करके रोजे उनको रखवाने चाहिए तेरह चौदह साल की उम्र में तो पूरे रोजे रखवाने चाहिए बच्चों को ताकि उनको आदत पड़े बाले होने के बाद फिर वो छोड़े नहीं और अल्लाह का शुक्र है हमारे सोसाइटी में मुसलमान घरों में बच्चे तो बड़े शौक से रोजा रखते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं रमज़ान को तो बच्चों को जो जरा बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं तो उनको रखवाने चाहिए